एक बार फिल्म डायरेक्टर ने फिल्म रिलीज करने से पहले टाउन हॉल में उसका शो रखा। इसका विज्ञापन करने हेतु एक विशाल बोर्ड पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिख दिया, एंट्री फ्री है। फिल्म हो और फ्री भी हो तो कहना ही क्या। बोर्ड पढ़-पढ़कर मानो जनता बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी। बच्चे और नौजवान तो आए ही, बूढ़े भी पीछे नहीं रहे। कोई भी यह अवसर खोना नहीं चाहता था। इस अपूर्व अवसर का लाभ उठाने के लिए लोग हर तरह से उत्साहित थे। हालांकि वह टाउन हॉल लोगों की क्षमता से अधिक भर गया, इसलिए कुछ लोग खड़े रहे एवं कुछ लोगों ने पायदान पर बैठकर भी पूरी फिल्म देखी। फिल्म की समाप्ति पर लोग बाहर निकलने को तैयार हुए, किंतु चारों ओर के दरवाजे बंद थे। उसी समय एक घोषणा हुई, टिकट खरीदो और आप बाहर निकलो। सारे लोग एक साथ चिल्ला उठे, यह कैसा धोखा है? फ्री का बोर्ड लगाकर अब पैसा मांगते हो? यदि टिकट ही खरीदनी थी तो प्रवेश फ्री का बोर्ड क्यों लगाया? कुछ देर बाद अनाउंस हुआ, एंट्री फ्री का बोर्ड था, एग्जिट फ्री का नहीं। अब यदि एग्जिट होना है तो आप सब टिकट खरीदो। हमें भी इसी बात को समझना है। इच्छा की फिल्म में भी प्रवेश फ्री है, किंतु उससे बाहर निकलने के लिए बहुत बड़ी पेनाल्टी चुकानी पड़ती है। वस्तुतः इच्छा दर्द का अनुभव है, तभी तो व्यक्ति स्वयं उसे शीघ्र पूर्ण कर उससे मुक्ति पाना चाहता है। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी जी ने कहा, इच्छा स्वयं समस्या है, इसलिए इसका अतिक्रमण या अल्पीकरण ही एकमात्र उपाय है। भगवान महावीर ने हमें बिना पेनाल्टी के इच्छा से एग्जिट होने का मार्ग बताया। संग्रह की मर्यादा जिस दिन तय होगी, उस दिन इच्छा से बाहर आने का दरवाजा खुल जाएगा। इसके लिए इच्छा को नवीनता के आकर्षण से हटाओ और उपयोगिता के पावर पॉइंट से जोड़ दो। वस्तु नई है इसलिए चाहिए, या फिर वस्तु उपयोगी है इसलिए आप उसे खरीदना चाहते हो, इस पर विचार करना होगा। सभी आत्मार्थी साधक एक स्वर में ऐसा ही कहते हैं, धन हो या पदार्थ, सब जड़ जगत के मेंबर है। इन्हें प्यारा, अच्छा या मेरा मानना चेतन जगत का अपमान है। जैसे दूसरों के घर की वस्तुओं पर आप प्यारा, मेरा, अपना का लेबल नहीं लगाते, ऐसे ही जड़ पर भी यह लेबल चिपकाना छोड़ दो। सावधान, जो मेरा है वह अच्छा बने, या जो इस दुनिया में अच्छा है वह मेरा बने। ऐसा विचार ही इंसान को इच्छा से एग्जिट होने नहीं देता। इसलिए सुविचार जगाओ, देर इज इनाफ, अर्थात सब पर्याप्त है। जब मन के आशा आकांक्षाओं की कोई इति नहीं है और कल्पना जगत की कोई स्थिति नहीं, तो क्यों व्यर्थ में भटकना? सेल्फ से पूछो, क्या स्वर्णमयी लंका रावण के साथ गई? क्या ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के संग 6 खंड का राज्य गया? इसलिए कभी भी विस्मृत मत होने देना। आंख खुली तो सपना गया, आंख मिची तो अपना गया। 2 पल का मेहमान है तू, सांस रुकी तो दफना गया। श्रेष्ठी दानचंद एक ईमानदार व्यापारी थे। दान पुण्य में उनकी विशेष आस्था थी। एक बार विदेश में अचानक उन्हें धन की जरूरत पड़ गई। उन्होंने मुनीम से कहा, मेरे गले का हार ले जाओ और बदले में रुपये ले आओ। मुनीम ने सेठ अमरचंद को हार दिया तो उन्होंने 10,000 रुपये दिए और हार भी लौटा दिया। सेठ दानचंद ने कहा, हम घर पहुंचते ही इनके पैसे लौटा देंगे, मगर घर लौटने के बाद यह बात भूल ही गई। एक दिन अमरचंद स्वयं आ गए, तब क्षमा मांगते हुए
दानचंद ने ब्याज सहित रकम चुका दी। विदा लेते हुए अमरचंद ने पूछा, मैं जानना चाहता हूँ वह कौन है जो रात में आपके पैर दबाती है। सेठ दानचंद ने कहा, वह तो लक्ष्मी देवी है। सेठ अमरचंद सोच में पड़ गए, मैं भी लक्ष्मीपति हूँ किंतु लक्ष्मी देवी मेरे पैर क्यों नहीं दबाती। कहते हैं तत्काल लक्ष्मी देवी प्रकट हुई और कड़कते स्वर में बोली, तुम मेरे दास हो पति नहीं, तुम मुझे बंद करके रखते हो। यदि लक्ष्मी पति बनना है तो मुझे मुक्त हाथों से बांटना सीखो। यदि आप भी लक्ष्मी पति बनना चाहते हैं तो तृष्णा देवी की उपासना करना छोड़ दो, भोग वृत्ति से मुख मोड़कर भाग वृत्ति और त्याग वृत्ति अपनाओ। भोग वृत्ति का स्वर होता है, मुझे जो प्राप्त है वह मैं ही भोगू। भाग वृत्ति कहती है, अपनी प्राप्ति में से दूसरों को भी कुछ दूं। और त्याग वृत्ति की स्फूर्णा है, मेरे पास जो है वह सब कुछ मैं दे दूं। स्मरण रहे, भोग वृत्ति वाले का चित कठोर हो जाता है, बिना उदार हृदय के भाग वृत्ति में प्रवेश नहीं होता। और त्याग वृत्ति चित्त की कोमलता का प्रतीक है। भगवान महावीर ने लक्ष्मीपति बनने का सूत्र दिया, परिग्रह परिमाण व्रत को धारण करो। धनी बनना बुरा नहीं है और न धर्म धनी बनने के लिए मना करता है। धन कमाओ, धन संभालो, किंतु धन में रमण मत करो। रमण से अभिप्राय है उसे मेरा मत मानो, इसी से भोग वृत्ति पर प्रहार होगा, वितरण का भाव भी जागेगा और त्याग वृत्ति जीवन में आती ही चली जाएगी। यह सत्य है, जिन्होंने अपनी संपत्ति का अधिकतम हिस्सा दान में दिया वे तनाव मुक्त जीवन यापन कर रहे हैं। वस्तुतः धन के त्याग से ही वास्तविक समृद्धि मिलती है। यह आर्ट ऑफ गिविंग ही धनी को असीम सुख प्रदान करने में समर्थ है। प्रायः लोग सोचते हैं, धन की बहुलता नहीं होगी तो दान कैसे देंगे। इसका मतलब लक्ष्मीपति बनने के लिए भी हमें संग्रह तो करना ही पड़ेगा। दान वितरण या संविभाग में ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आपके पास बहुत होगा तभी आप में देने की क्षमता आएगी। दान तो बहुआयामी है, देने का भाव जागना जरूरी है तो थोड़े में भी दिया जा सकता है, धन ही देना जरूरी नहीं है। ज्ञानी कहते हैं, पुण्य से जो भी आपको प्राप्त है उन सभी शक्तियों को बांटो, पर के हित में लगाओ, वरना ये शक्तियां जंगल के तालाब की भांति न दूसरों को सुख दे सकती है और न स्वयं को स्वच्छ रख सकती है। जैन फिलोसॉफी में साधु साध्वी श्रावक श्राविका यह चार प्रकार की संघ व्यवस्था है। गृहस्थ श्रावक श्राविका के लिए श्रावकों का आचार का निरूपण किया गया है। किसी को पीड़ा पहुंचाए बिना जीना श्रावकाचार की नींव है। जो गृहस्थ अल्प परिग्रही है वही श्रावक है, वह परिग्रह परिमाण अनुव्रत धारण करता है, पश्चात सादगी से जीता है एवं उचित साधनों से धन का अर्जन करता है। इस तरह गृहस्थ के लिए अपरिग्रह मूलक आचार संहिता जीवन जीने की अनुपम कला है। एक श्रावक धन धान्य भूमि मकान वाहन आभूषण आदि बाह्य परिग्रह के बिना नहीं रह सकता, किंतु यह सब पदार्थ अनित्य है ऐसा वह जानता है, मानता भी है। वस्तुतः बाह्य परिग्रह को नित्य मानना मिथ्यात्व है, जिसे हम आंतरिक परिग्रह कहते हैं। इसी मिथ्यात्व के कारण प्राय लोग बाह्य परिग्रह में अपनापन कर लेते हैं। जो अर्थ पदार्थ क्षणिक है इससे मोह कर लेते हैं, पश्चात उसकी प्राप्ति के लिए एवं
प्राप्त की सुरक्षा हेतु हिंसा, झूठ, चोरी आदि 18 पापों में वे रत रहते हैं। इस तरह निरंतर कर्म बंद करते हैं। अपने परिग्रह की रेंज चेक करो। पाप की अमाप श्रृंखला से बचने हेतु संग्रह को परिमित करो। श्रावक का जीवन स्व पर कल्याणी है, क्योंकि श्रावकाचार का पालन करने वाले गृहस्थ में संतोष वृत्ति का उदय होता है, इसलिए वह समाज एवं राष्ट्र की सेवा कर सकता है। वह ईमानदारी से अपनी आजीविका चलाता है और जो उसके पास है उसे मिल बांट कर उपयोग करता है। मौलिक बात तो यह है कि श्रावक अपनी अतिरिक्त संपत्ति को 4 भागों में विभक्त कर देता है, पश्चात उसे सुपात्र को दान देता है, जैसे अभयदान, आहार दान, औषधि दान और ज्ञान दान में अर्पित कर क्रमशः भय, भूख, रोग एवं अज्ञान का हरण करता है। इसीलिए श्रावकाचार मूल्यवान है। अंत में संग्रह, स्वार्थ, इच्छा एवं पाप को रोकना हो तो श्रावक अवश्य बनो।